नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल। दोस्तों, इसी के साथ एक न्यूज़ और है, वो ये है कि हमारे यहाँ के प्रमुख सचिव जो है स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने हमारे यहाँ के सभी जिला कलेक्टरों को, मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को ये लेटर लिखा है कि आप अपने यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में यदि चाहें तो अस्थायी रूप से डॉक्टरों की, नर्सों की जो है नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत उन्होंने जिला कलेक्टरों को ये अधिकार दिए हैं कि वो 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से 30 जून तक जो है नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वो स्पेशलिस्ट की नियुक्ति कर सकते हैं, MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकते हैं, आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकते हैं और स्टाफ नर्स वगैरह की नियुक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो नियुक्ति है ये अस्थायी है और केवल 30 जून तक के लिए ही ये नियुक्ति की जा रही है, किंतु यदि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये महामारी और भी लंबे समय तक चल रही है और इसके लिए और लंबे समय तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, डॉक्टरों की, नर्सेज की आवश्यकता है, तो इसे जो है और भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु प्रारंभिक रूप में इसे केवल 30 जून तक ही मान्य किया जाएगा। तो आप भी यदि चाहते हैं कि इस महामारी से लड़ने में आप भी जो है शासन को अपना सहयोग दें, तो आप अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, अपने कलेक्टरों को, अपने SDM को लेटर लिखकर अपनी उपलब्धता के बारे में जो है बता सकते हैं कि सर, हम जो है आपके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देना चाहते हैं और यदि आप चाहें तो हमारा योगदान ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपने अपने जिला कलेक्टर को आप लेटर लिख सकते हैं और इस महामारी को भगाने में, इस महामारी से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग में अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।